आदरणीय भिक्षु और मेरे प्यारे धर्म पुत्रों धर्म पुत्रियों सचमुच इस स्थान की पवित्रता का क्या कहना जहाँ भगवान ने इतने महत्वपूर्ण सूत्र का उपदेश दिया वैसे तो भगवान की सारी शिक्षा महत्वपूर्ण ही है पर विपक्षी साधकों के लिए इस सती पठान सूत्र का विशेष महत्व है क्योंकि इसमें हमारी साधना विधि स्पष्ट रूप से समझाई गई है कुछ वर्षों पहले मुझे इस स्थान पर लाया गया कि यही वो स्थान है आशा करते हैं कि यही वो स्थान है जहाँ भगवान ने माँ सतीपठान सूत्र का उपदेश दिया आसपास किसानों के खेत किसानों के खेत में शांति तो सब जगह होती ही है यहाँ विशेष रूप से शांति मालूम हुई तो मन में भाव उठा कि सचमुच इस स्थान का अपना महत्व तो है यहाँ डिप्रशन केंद्र बनना ही चाहिए और जबकि यह केंद्र बना और आज पहली बार इस भूमि में प्रवेश करते ही दुशीतल शांति की अनुभूति हुई मौसम की शीतलता नहीं वो तो अपनी जगह है ही भीतर शीतलता की शांति इस बात का सबूत कि सचमुच बड़ी पावन धरती है बड़ी पवित्र धरती है पशुना साधना करते करते अपने भीतर के कलमश का दमन करते करते यही खम्मा स्तंभ है भीतर के मैल का दमन करते करते उसे दूर करते करते जैसे जैसे निर्वाणिक अवस्था के समीप पहुंचता है कोई व्यक्ति तो भले निर्वाण में डूबके नहीं लगी लेकिन बहुत तपते हुए मरुधर की यात्रा करता हुआ व्यक्ति कितना व्याकुल होता है यात्रा करते करते किसी शीतल तालाब के किनारे पहुंच गया तालाब में के नहीं लगी शीतल तालाब के समीप पहुंचते पहुंचते ही वहाँ की हवा में जो शीतलता है उससे उसकी सारी थकान सारी तपस दूर होने लगी और शीतलता की अनुभूति होने लगी जो निर्वाणिक डुबकी की शीतलता है उसका तो कहना ही क्या है? भगवान ने इसके लिए कहा शीतली भूत शीती भूत लगी डुबकी तो शीतली भूत उस डुबकी के स्थान पर जितनी अच्छी तपस्या अच्छा होगी उतनी अन्य कहाँ होगी ये केवल इस समय के साधकों के लिए ही कल्याणकारी नहीं है सदियों तक ये पवित्र भूमि न जाने कितने लोगों का कल्याण करेगी तरंगे तो हाई धर्म के और ये अच्छा निर्णय किया गया कि यहाँ तपे हुए साधक ही आके ध्यान करेंगे सती का करें दस दिन का स्पेशल शिविर करें बीस दिन का करें तीस दिन का करें आगे जाके पैंतालीस दिन का करें साठ दिन का करें और आगे जाके नब्बे दिन का करें तपोभूमि है तो स्वयं अपना भी कल्याण करेंगे और अपने तप से जो भी तरंगे धर्म के तरंगे पैदा करेंगे उससे धरती और पवित्र होती चली जाएगी शुद्धता कायम रखनी है धर्म की शुद्धता पर आंच नहीं आ जाए भारत ने 500 सौ वर्ष बीतते बीतते ये विद्या खो दी सारी वाणी खो दी जिस किसी कारण से भी ऐसा हुआ अब आज के लोगों को भी और आगामी पीढ़ियों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि यह विद्या अनेक सदियों तक अनगिनत लोगों का कल्याण करे तो इसकी शुद्धता में कहीं आँच न आने पाए भारत हमेशा अनेक मत मतांतरों का देश रहा है अनेक संप्रदायों का देश रहा है आज भी है लेकिन धर्म धर्म की जो शुद्धता है वो सभी संप्रदायों में सभी मत मतांतरों में बीज रूप से कायम है आखिर धर्म क्या है शील सदाचार का जीवन जीना है संसार की कोई भी धार्मिक परंपरा, सांप्रदायिक परंपरा, मत मतांतरों की परंपरा ऐसी कोई नहीं है जो शील सदाचार का विरोध करे शील सदाचार को सब स्वीकार करते हैं पालन कर पाए ना कर पाए यह अलग बात है सब स्वीकार करते हैं और शील सदाचार का जीवन जीने के लिए मन के मालिक बनना जरूरी है मन को वश में करना जरूरी है मन को संयमित रखना जरूरी है माने समाधि जरूरी है सारी परंपराएं स्वीकार करती हैं कर पाएं न कर पाए बात अलग है सारी परंपराएं स्वीकार करती हैं मन को संयमित कर भी लिया ऊपर ऊपर से निर्मल भी कर लिया पर जड़ों तक मैल जड़ों से मैल निकला नहीं तो पूरी तरह निर्मल हुए बिना मुक्त हुए नहीं तो अपने भीतर सच्चाई को देखते देखते जड़ों तक चित्त को निर्मल कर ले प्यार से भर जाए मैत्री से भर जाए करुणा से भर जाए सब स्वीकार करते हैं कोई परंपरा ऐसी नहीं जो इसका विरोध करे लेकिन इन तीनों बातों में समानता होते हुए भी ऊपर ऊपर के छिलके भिन्न भिन्न होते हैं सबके अलग अलग होते हैं कोई बुरी बात नहीं सब अपने अपने छिलकों से खुश रहें, पर यह सार की बात नहीं छूट जाए अगर सार की बात छूट गई और ऊपर ऊपर के छिलकों को धर्म मानने लगे तो धर्म कायम नहीं रहेगा इसलिए जो व्यक्ति बुद्ध होता है वो केवल सार ही सिखाता है शील सदाचार का पालन करना है और कैसे करना है ये सिखाता है और यही सिखाया गया यहाँ पर चित्त को वश में करना है कैसे करना है वही सिखाया गया को नितांत निर्मल करना है कैसे करना है यही सिखाया गया ये तीनों बातें शील समाधि प्रज्ञा जो धर्म का सार है वही सिखाया ताकि छिलकों में लोग उलझ न जाए तो ख्याल रखना है ध्यान रखना है आज के साधकों को भी और आने वाली पीढ़ियों के साधकों को भी इसके साथ कोई छिलका जुड़ने ना पाए नहीं तो जो छिलका जुड़ गया वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा लोग उसी को पकड़ लेंगे यही धर्म है यही धर्म है हम बड़े धार्मिक हैं हम बड़े धार्मिक हैं अरे जीवन में सदाचार आया नहीं मन में संयम आया नहीं चित्त नितान्त निर्मल होने का कोई काम भी नहीं किया हुआ भी नहीं कैसे धार्मिक हो गए रे तो सजग रहना है इसकी पवित्रता पर आंच नहीं आ जाए कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस संप्रदाय के लोगों को अपने साथ लेना है तो थो थोड़ी सी इनके बात जोड़ दो इनको खुश कर दो उस संप्रदाय के लोगों को लेना है इनकी बात जोड़ दो संख्या बढ़ाने से नहीं गिनती गिन करके संख्या बढ़ाने के बाद काम की नहीं है व्यक्ति अपने धर्म में शुद्ध रूप में पका हुआ व्यक्ति अधिक से अधिक हो तो कल्याण होगा तो यहाँ इस धरती पर इस भूमि पर जो भी तपस्या करे और जो तपस्या करना सिखाए वो धर्म की शुद्धता पर आँच नहीं आने दे जैसे भगवान ने सिखाया और जैसे संतों ने संभाल के रखा उसी प्रकार उसे जीवित रखना है उसी प्रकार लोगों को शिक्षित करना है और उसी प्रकार ध्यान करना है तो इसकी पवित्रता कायम रहेगी सदियों तक लोगों का कल्याण होगा खूब समझदारी के साथ काम करें धरती का लाभ लें इस धरती के वातावरण का लाभ लें जहाँ पर सम्यक सम्बुद्ध जैसा व्यक्ति बैठ करके साधना